क्योंकि ये जो फ्री स्टाइल की कंपटीशन है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कौन सा जो भी बच्चे का जितना भी टैलेंट हो किसी तरह की हो वो सामने आ जाता है। जैसे मैडम ने कहा कि ना स्टेज फियर वो बिल्कुल बंद हो जाता है इस तरह के कंपटीशन में, और एक ही होनी चाहिए सभी कॉलेजेस में क्योंकि बच्चों भी एंजॉय करते हैं। इसमें आई थिंक अटेंडेंस पूरा है, आज हॉल फुल है, 50-50% दोनों होना चाहिए। बिल्कुल स्टडीज वैसे ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, वो प्रोवर्ब सभी जगह पे चलता है। बिल्कुल ऐसे होने ही चाहिए, 50-50% स्टडीज 50% और ये भी 50%। पहले से 8 साल से कर रही हूँ स्टेज परफॉर्मेंस, अभी कर रही हूँ, और आज इतने दिनों के बाद एक कॉलेज में खड़े होके दोबारा ऐसे गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक हमारे इस महाविद्यालय को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और बहुत से क्योंकि हमारे ऑनरेबल डेप्टी कमिश्नर वो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सिटीजन होती है, तो उनकी वाइफ भी काम करती है और फैमिली के अंदर भी एक छोटे बच्चे के साथ अपनी अलग अलग की व्यवस्थाएं होती है, उसके बावजूद भी
हर साल यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन पर हम लोग टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स कॉलेजेस के अंदर कराते हैं और हर कॉलेज के अंदर ये जो फंक्शन होता है टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स का, ये एक फेस्टिवल की तरह आयोजित किया जाता है। और इस फंक्शन का जो मेन मकसद है वो ये है कि हर स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है। तो हमारा मकसद होता है स्टूडेंट्स के उस टैलेंट को, ये एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को उजागर कर सके। बहुत टैलेंट है हमारे स्टूडेंट्स के पास, हमारे कॉलेज की लड़कियों के पास बहुत टैलेंट है और बहुत पार्टिसिपेंट्स का नंबर है आज जो भाग लेने जा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर। और यहाँ से हम टैलेंट को निकालते हैं, फिर यहाँ से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो यूथ फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पहले जोनल लेवल पर, लेकिन CDLU के अंदर सीधा यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हो रहा है तो हमारे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के